वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आज उत्तराखंड पुलिस का जो है फाइनली एग्जामिनेशन हो गया है। पेपर के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में शेयर करेंगे हम आपके साथ, और उसके अलावा क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और पूरी PDF हमने जो है अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप देख सकते हैं। ये सामान्य हिंदी है जहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जिस हिसाब से आने चाहिए थे, टफ जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि लोक सेवा आयोग जो है ये पेपर बना रहा है तो काफ़ी टफ आएगा, लेकिन उस हिसाब से उतनी जो है हाई जो है टफनेस जो है इस पेपर में नहीं देखने को मिली। स्पेशली जो GK से रिलेटेड थे और तमाम जो उत्तराखंड से रिलेटेड से क्वेश्चन से काफ़ी आसान आए थे, जिन्हें आप जो है इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। मेनली जो दिक्कत कैंडिडेट्स को आ रही थी वो रीजनिंग प्लस जो और दूसरे कंपोनेंट थे यानी करंट अफेयर्स, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी थोड़ी सी समस्या आ रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर इस पेपर को एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि जिस हिसाब से लोक सेवा आयोग अपने पेपर्स के स्टैंडर्ड्स को रखता है उस हिसाब से ये उतना भी टफ नहीं था। अब बात करते हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जर्नल की, तो उनके लिए कम से कम यहाँ पर जो मार्क्स हैं आपको 65 के मार्क्स के रेंज में लाने ही पड़ेंगे, यानी कि आपको जो है 60 से ऊपर और मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप 65 मार्क्स पे आते हैं तो। अगर आप जर्नल में हैं 65 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपका जो है फिजिकल किस हिसाब से गया। अगर 90 अगर प्लस आपका फिजिकल है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म है। देन हम आते हैं बात करते हैं OBC की, तो OBC के लिए जो ये रेंज होने वाली है आपकी 60 प्लस होनी चाहिए होने वाली है, यानी कि 61 62 63 के अराउंड समथिंग आपका जो है यहाँ पर रेंज होने वाली है फॉर द OBC। एंड हम बात करते हैं अगर EWS की, तो यहाँ पे जो रेंज होगा आपका 60 प्लस होगा, यानी कि आप 58 से लेकर 60 के बीच में अपने आप को तौल सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा जिस हिसाब से आपका फिजिकल हुआ होगा उसी हिसाब से यहाँ पर आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी जो है रेंज ऑफ कट ऑफ बन सकती है। बात करेंगे लास्ट में ST के लिए, तो उसके अलावा जो रेंज होनी चाहिए 55 से लेकर 60 के बीच में यहाँ पर जो है रेंज होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ पर अगर हम करें तो जर्नल की आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड 65 प्लस, यानी 65 तो लाने ही लाने हैं, उससे अगर आप ऊपर हैं तो अपने आप को सेफ माने। इस तरह से आप अगर OBC में आते हैं तो आपके लिए 62 प्लस यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर आप EWS में आते हैं तो इसके लिए आपको 60 प्लस होने चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो यहाँ पर जो रेंज है यानी कि जो SC ST का जो रेंज है आपका 55 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। सो गाइज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसके आंसर्स की जो वगैरह बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे सॉल्व पेपर। पूरी PDF हमने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर किया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग मी।